हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हाउ टू से इन इंग्लिश, ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बोले, जैसे गर्मियों में मछली पकड़ना कैसा रहेगा, छत पर पतंग उड़ाना कैसा रहेगा, टेनिस खेलना कैसा रहेगा, यानी दूसरे के इच्छाओं को यहाँ पर जानने के लिए ऐसा वाक्य बोला जा रहा है। तो देखिए, हाउ अबाउट मीन्स होता है कैसा रहेगा, कैसा होगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा गया, पहले हम लोग हाउ अबाउट लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर लिखेंगे। तो देखिए, पहला वाक्य है सिनेमा घर चलना कैसा रहेगा। सिनेमा घर चलना कैसा रहेगा, यानी वो उसकी इच्छाओं को पूछ रहा है। तो हाउ अबाउट गोइंग टू थिएटर, हाउ अबाउट गोइंग टू थिएटर, थिएटर में होता है सिनेमा घर। आगे देखिए, टेनिस खेलना कैसा रहेगा, वो उससे कह रहा है टेनिस खेलना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट प्लेइंग टेनिस, हाउ अबाउट प्लेइंग टेनिस। अगला वाक्य है छत पर पतंग उड़ाना कैसा होगा, छत पर पतंग उड़ाना कैसा होगा। हाउ अबाउट फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ, हाउ अबाउट फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ। अगला भाग देखिए, अब मुंबई जाना कैसा रहेगा, अब मुंबई जाना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट गोइंग टू मुंबई नाउ, हाउ अबाउट गोइंग टू मुंबई नाउ। गाइस, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऐसे वाक्य कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और कुछ समझ में आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम लोग नए नए एडवांस इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते लिखते सीखते हुए चलेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।